माँ कौन है ये? कृष, ये बहुत माने हुए सिद्ध पुरुष है। मुझे पता चला कि यहाँ आए हुए तो सोचा एक बार घर बुला ले, आशीर्वाद ले ले। आशीर्वाद लो बेटा। जी। आयुष्मान बाबा, सदा सुखी रहो। अब हमारे जाने का समय हो गया है, हम चलते हैं। बाबा इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं आप, थोड़ा रुक कर जाइए, रात का खाना खाकर जाइए। नहीं, हम रात के खाने तक नहीं रुक सकते, और वैसे भी हम जैसे साधुओं के शरीर को विश्राम करने की आदत कहां है। हम तो भिक्षा मांगकर जीने वाले प्राणी हैं। यदि आप कुछ देना ही चाहती हैं तो अपनी छोटी बहू के हाथों से 3.5 मुट्ठी चावल हमें दान में दिलवा दें, ताकि हम इसके सुखी भविष्य की प्रार्थना कर सके। जी बाबा। राधिका, व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं कुछ नहीं, नथिंग। राधिका, जब आंखों को झूठ बोलने की आदत ना हो तब इंसान को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो पकड़ा जाता है। मैं जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। इसलिए परेशान होना क्योंकि वो बाबा जी इस घर में आए। क्या बात है, आपके आंखों की उलझन बता रही है कि आपके दिल में कोई सवाल है। बाबा जी, जिसके परिवार की खुशियां दांव पर लगी हो उसके मन में सवाल तो आएंगे ही ना। बाबा जी, वो नागिन आपके सामने आ गई थी, फिर आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? कोई भी काम समय पर होना चाहिए, अन्यथा काम बनने के बजाय उल्टा बिगड़ जाता है। कल मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन एक बात याद रहे, जब मैं अपने शिष्यों के साथ आपके घर आऊं तो उस नागन के सिवाय आपके घर में कोई इंसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं उस नागन को पकड़ने की कोशिश करूं तो वो नागन किसी को भी नुकसान पहुंचाए। खुद को बचाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकती है। नहीं नहीं बाबा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब बाद में भी हो सकता है। आई वांट टू नो, क्या हम लेट नाइट मूवी के लिए जा रहे हैं? नो। तो फिर लेट नाइट डिनर? मेबी। या फिर मूवी? हो सकता। प्लीज क्रिश, क्या हम आइसक्रीम पार्लर में जाकर आइसक्रीम खाने वाले हैं? शायद। क्रिश मुझे बताइए ना, आखिर सरप्राइज क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। आई वांट टू नो प्लीज। राधिका, इट्स अ सरप्राइज, तो सरप्राइज ही रहने दो प्लीज। ओके ठीक है।
राधिका, listen to me. अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनो. अरे मेरी बात तो सुनो. नहीं. अच्छा, I promise you, you'll be very happy. जब मैं अपने शिष्यों के साथ आपके घर आऊं, तो उस नागन के सिवाय आपके घर में कोई इंसान नहीं होना चाहिए. कृष्ण बेटा, एक प्रॉब्लम आ गई है. क्या हुआ मामा? तुम्हारी मौसी के यहाँ से कॉल आया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई. हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, पास ही रहती है वो. अगर सुबह सुबह निकल जाएंगे तो दोपहर तक पहुंच भी जाएंगे. पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया, अभी कुछ दिनों पहले तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी. ठीक है माँ, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम कल सुबह ही वहाँ जाएंगे. रोड पर शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरी बहन है ना, इसीलिए मुझे ज्यादा ही चिंता हो रही है. लेकिन उस बकवाद के रहते कभी कुछ गलत नहीं हो सकता. तुम लोग सुबह जल्दी तैयार हो जाना, मैं जाकर पैकिंग वगैरह करती हूँ. जी. राधिका, अब तुम्हें क्या? कृष्ण, मैं कल आप लोगों के साथ बाहर नहीं जा सकती.